ओके तो आज आया हूँ यहाँ बनगुप्पे। 3 दिन लग गया मुझे ट्रैवल करते हुए और आज आया हूँ यहाँ पे। और आते ही बुढ़िया ने अपना बकचोदी करना शुरू कर दिया। तो आज हम बना रहे हैं चिकन। अकेला हूँ, रूम पार्टनर अभी काम पे है, गया है, आएगा 7:30 बजे तक। तो मैं गया बाज़ार 1 किलो चिकन उठाने। एक तीसरा बंदा भी है जिसे मैं जानता नहीं हूँ, वो भी है, आएगा तो पता चलेगा कौन है कौन नहीं। रखने के लिए एक प्लेट चाहिए। मग में रखा हुआ सारा प्याज काट करके इसको अच्छे से धो करके इसको स्लाइस करके एक जगह कटोरे में मैं बोल गया। पहले चेक कर लेता हूँ कि मिक्सर ग्राइंडर काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा हो तो इसको रफली चॉप करने के बाद में इसको ग्राइंड कर दूंगा। ओके, वायर निकला हुआ है बाहर की ओर। काम तो कर रहा है, इसको थोड़ा गंदा है, धो करके हो जाएगा। कोई नहीं, अब बस इसको रफली चॉप कर लेता हूँ। इसके बाद जिंजर गार्लिक भी छीलना है, उसको भी साथ में डाल दूंगा। प्याज हो गया है रफली चॉप्ड, अब पहले इसको धो लेता हूँ। राइट, सारा प्याज जाएगा इसमें, इसका बनेगा पेस्ट। अब अदरक और लहसुन इसको भी छील लो। आई थिंक 1 मिनट काफ़ी हो गया, अदरक तो सारा सूख गया है। एक पीस से ठीक ठाक इसको यूज़ करता हूँ। प्याज
bay leaf, cardamom, scotch, curry masala, long elachi. ओके, तो इसका पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब लाल मिर्ची नहीं मिला यार, सूखा लाल मिर्च वो रहता तब थोड़ा और मसाला था। आई गेस मेरे जाने के बाद इसने लाल मिर्च यूज़ करना बंद कर दिया, इसको तीखा पसंद नहीं है, खा नहीं पाता है, ऐसे बात नहीं, तीखा पसंद के बाद नहीं, खा नहीं पाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, चिकन को फ्राई करता हूँ, उसके बाद मसाला डालू। कचड़े को हटा देता हूँ। सात ऑलमोस्ट बज गया है, आधे घंटे में आ जाएंगे, सब तक में टाइम था थोड़ा सा। अभी हमें क्या चाहिए, इसका तो पेस्ट बन के रेडी हो गया है, उसके बाद अपने चिकन मसाला सारा कुछ तो पाउडर में ही है, तो यही है, चिकन मसाला खत्म हो रखा है। चिकन मटन बिरयानी मसाला, एक फ्राइड राइस जो सूरज को था किसी ने, गरम मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, ओके, फ्राइड राइस, फ्राइज, फिश करी, सांभर पाउडर, दिस विल डू। ये तेल किस चीज़ का पता नहीं चल रहा है, चलो इसको रहने देते हैं। ये रहा अपना रिफाइन तेल, कढ़ाई गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है। That should be enough. एक किलो है, या चिकन में बहुत सारे हैं, ना काफी होगा। इसमें हाँ ऐसी मिर्ची वहाँ बेहतर था, पर इसमें चना वो भी खराब होने को है, सफेद सफेद दाने दिख रहे हैं उसमें। मनोज बैठता है उसके, ओके सही है। तो पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे, उसके बाद उसमें धरेंगे, धरेंगे नहीं डालेंगे जो हमने पेस्ट बना रखा था, उसके बाद जाएगा पाउडर मसाले। So here we go.
कढ़ाई थोड़ा छोटा पड़ गया लगता है। डाल देता हूँ नमक, बाकी थोड़ा बाद में डालूंगा। अभी कुछ देर तक फ्राई हो गया, उसके बाद जो उसमें देंगे ये पेस्ट बना रखा था, उसके बाद बाकी ये पाउडर रखते वक्त कुछ सीटें पड़ गए तेल के। बहुत सारा इसका तेल निकल गया है, पानी भी है शायद। अपना पेस्ट चाहिए अंदर, कुछ देर तक इसको ढक देता हूँ ताकि ये पकता रहे।
दिन से कंटिन्यू, 2-3 दिन से गाड़ी में था, तो लेटे लेटे हैं, कमर का वाट लग गया था, तो आज थोड़ा स्ट्रेचिंग किया था एक वीडियो देख करके, और साथ में वीडियो बना भी लिया, अपलोड कर दूँगा उसे नहीं। एंड तो पानी ऑन कर दिया, पानी भर रहा, जब तक कि बंदे आएंगे पानी भरा हुआ मिलेगा। चावल को मेरा हिसाब, चावल का मेरा हिसाब नहीं है, तो फिर वो लोग मन हो जाएगा तो बताएगा कितना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, क्योंकि कुकर भी छोटा सा है, कुकर में बनाना भी है नहीं, अभी वो भी डिसाइड करेगा, क्योंकि शायद 3 लोगों के लिए भी पूरा ना हो पाया, अगर कुकर लिए बना, कुकर में बना दिया तो पानी शायद भर गया, बंद कर देते हैं। पहले से मज़ा नहीं आ रहा है, वो वाइब नहीं मिल रहा पहले से। पानी तो लाए निकालने की, फिलहाल से पानी की ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि सारा काम तो तेल से ही हो जा रहा है, अभी तो पानी डाला नहीं और अपने तेल में ये पके पके जा रहा है, बहुत सारा तेल है। साबुत नहीं है, लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच, इसमें 2 खाली दिखाएँ, इसमें शायद जीरा और गरम मसाला नहीं है। जीरा और गरम मसाला डाल देते हैं, ओके अब थोड़ा ठीक दिखने लग रहा है, गरम मसाला, चिकन मसाला, घर के डाल दो, नेक्स्ट क्या हो सांबर मसाला,
चिकन बिरयानी मटन गरम मसाला हो गया और फ्राई राइस मटन मसाला फ्राई गरम मसाला तो मैंने तो जरूरत है इसका काम तो हो गया पानी का जरूरत है पकड़ने लग रहा है मुझे उसमें कमी है धनिया का फाइनली करता हूँ बस इसमें नमक डाल देना है और पानी सूखने के बाद ही कंप्लीट है। तो सिंपल और प्लेन चिकन ये पका के नहीं रहे मेरा माँ थ्री जार्ड ना बढ़िया इसका अलग से सब पका होगा ये भी गर्म है ओए 26 मिनट के भी हो गया पूरी तरह से नहीं पके पर इतना भी खाने में मजा आता है अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा ओके सो इट्स टाइम वो लोग आने वाले होंगे इतना बड़ा वीडियो तो बन गया है लेकिन अपलोड कहाँ करूँगा कैसे करूँ रोज का 1 GB डाटा है और इसका शायद भी बन गया होगा एटलीस्ट 2.5 GB तो बन ही गया होगा पानी का टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश का पानी पी रहे हैं नमक चेक कर लेता है ये
थोड़ा और जाएगा। बाकी वो भाप निकल के लेवल हो जाएगा। अब गैस हो गया ऑफ, इसे धो देता हूँ, उसके बाद चावल।